नेता की जिंदगी में भूचाल मचाने वाली, अपने षड्यंत्रों से सीरियल में ट्विस्ट लाने वाली, करण की दीवानी, ये है निधि। भाई सीरियल कुंडली भाग्य में निधि कराती है ढेर सारे ड्रामे, प्रीता को करती है परेशान, उसी की वजह से मिल नहीं पा रहे करण और प्रीता। लेकिन ये तो है सीरियल की बात, रियल लाइफ की बात करें तो कैसी है आकांक्षा, क्या कुछ करती है वो अपनी रियल जिंदगानी में, क्या है उनका दिनचर्या। सीरियल की ये निगेटिव वैम्प रियल लाइफ में है कितनी पॉजिटिव, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं आकांक्षा जुनेजा के घर पर, बिताने उनके साथ पूरा एक दिन। आकांक्षा संग हम घूमेंगे उनका घर, देखेंगे उनका कुकिंग टैलेंट, घर से सेट तक का होगा सफर, मिलेंगे आकांक्षा की रियल फैमिली से और करेंगे सेट की सैर भी। तो चलिए सीधा चलते हैं आकांक्षा जुनेजा के घर पर। कुंडली भाग्य शो में जिन्होंने अपने प्रेजेंस से तहलका मचा दिया है उनके घर हम आए हैं। आइए देखते हैं इनके घर में कितना तहलका मचा हुआ है। हेलो, वेलकम। आकांक्षा यानी कि निधि हमारे साथ है। सो फर्स्टली आज हम पूरा दिन आपके साथ बिताने वाले हैं। मैं अभी नहीं यही बता रही थी कि कुंडली में आपने तहलका मचा रखा है, लेकिन इनके घर में कितना तहलका मचता है, लाइफ में कितना तहलका है, वो आज हम देखने वाले हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई हाउस एंड आप सबको भी मोस्ट वेलकम। तो निधि कितना तहलका मचा रही है दुनिया में वो तो आप देख ही रहे हैं, बट मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसका एक स्नीक पीक आज आपको मिलेगा, सो प्लीज कम इनसाइड। तो भाई सबसे पहले करते हैं आकांक्षा के घर की सैर, क्योंकि ये खूबसूरत आशियाना आकांक्षा ने अपने हाथों से सजाया है और सास बहू और बेटियां भी अपने दर्शकों और अपने फैंस को वो अपने इस आशियाने का टूर दे रही है और बता रही है कि उनके घर में क्या कुछ खास है। ये मेरा छोटा सा आशियाना है जहाँ मैं पैकअप के बाद अपना टाइम स्पेंड करती हूँ मोस्टली। ये मेरा सिंहासन है और ये मेरा ताज। तो चलिए आज आपको एक छोटा सा टूर कराते हैं मेरे घर का। मैंने मेरे घर में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी की हैं जो मुझे पसंद है और जो मुझे लगता है मेरे लिए, मेरे घर के लिए पॉजिटिव वाइब्स लेके आएंगी, मेरी लाइफ के लिए पॉजिटिव वाइब्स लेके आएंगी। तो उन छोटी छोटी चीज़ों से आज आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। आई लव हैप्पीनेस, आई लव पॉजिटिविटी। तो ये कुछ चॉकलेट बुकेज हैं, कुछ लाइट्स हैं जो मैं इवनिंग में यूज़ करती हूँ, यू नो, टू हैव अ नाइस वार्म सेशन इन माई हाउस। आपने गांधी जी के तीन बंदर के बारे में तो सुना ही होगा, जो अक्सर कहते हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। पर मेरे पास एक और है, क्योंकि इन तीनों के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो वो है, बुरा मत सोचो। तो इफ़ यू आर एंटरिंग दिस स्पेस यू हैव टू क्रॉस दिस, एंड इफ़ यू कैन क्रॉस दिस यू कैन कम एंड सिट इनसाइड, माइंड दैट। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ मैंने एक छोटा सा मनी प्लांट रखा है मेरे लिए। देन आई हैव अ टॉर्टोइस विच इज़ फेसिंग नॉर्थ। Then I have healing candles, all kind of healing candles and little plants. This is to attract love, happiness, success, health, wealth. Then my Ishtadev, Lord Shiva. Then I have Bhagavad Gita and all the different healing candles. Let's go to the next section. My achievements. This is the wall of achievements. ये वो सारे awards हैं जो मैंने आज तक जीते हैं। इसमें से mostly जो है वो मेरे characters के लिए हैं जो मैंने play किए हैं। This is specially for cricket. I won woman of the series. And this is iconic goal for best negative actor. This is again for the best negative actor, again for the best negative actor, that's again for the best negative actor. So these are my achievements. ऐसी बहुत सारी और achievements मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा के पास है। तो
तो जो भी रीसेंट है वो यहाँ मेरे पास है, फिर ये भी आगे मम्मी पापा के पास पहुँच जाएंगी एंड देन आई विल गेट द न्यू वंस हियर. एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज माई छोटू सा मंदिर. ये मेरे भगवान जी हैं जिनकी रजामंदी के बिना, जिनकी पूजा के बिना, जिनकी अर्चना के बिना मैं लाइफ में कुछ भी नहीं करती हूँ. तो मेरे जो कुछ भी है यही है. चलिए आगे चलते हैं. ये दिस इज द वॉल ऑफ कोट्स. तो आते जाते ऐसे छोटे छोटे कोट्स, मुझे पढ़ना लिखना देखना बहुत पसंद है. मैंने ये छोटे छोटे कोट्स यहाँ पे रखे हैं. दिस वन सेज राइज एंड शाइन. दिस वन सेज टॉक लेस लिसन मोर. ट्रस्ट योर क्रेजी आइडियाज. माइंड इज एवरीथिंग. स्टार्ट योर मॉर्निंग विद अ स्माइल. फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट, जस्ट मेक इट. एंड दिस इज अ स्मॉल कोट जो मेरी मॉम ने मुझे लिख के दिया था लास्ट टाइम जब मॉम यहाँ आए थे, मॉम डैड यहाँ आए थे. तो मैं फिर चलिए फिर जब उनके जाने के बाद मुझे घर पे ये छोटा सा कोट मिला विच सेज एट टाइम्स आई विश आई कुड गो बैक एंड रीलिव द डेज व्हेन माय डॉटर वाज अ बेबी. नॉट टू चेंज एनीथिंग बट टू एंजॉय द मोमेंट्स दैट फिल माय हार्ट विद लव एंड जॉय. आई मिस यू, लव यू, आई मिस यू मोर मॉम. मैं डेली माँ को पा को मिस करती हूँ एंड व्हेन आई लुक एट इट आई फील दैट दे आर हियर विद मी. ये मेरी मॉम ने बनाया है और ये मेरे पापा ने बनाया है. तो दिस इज मी व्हेन आई वाज 1 ईयर ओल्ड. ये हमारे शंकर भैया हैं जो हमें बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खिलाते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे लिए सारा काम करते हैं. तो ये छोटा सा किचन सेटअप है. शंकर भैया क्या खिला रहे हैं आज आप हमें? आपको इडली सांभर खिला रहे हैं. डोसा खाना है, डोसा भी खाएंगे. हम क्या खाएंगे? आज इडली का मूड है, आज हम इडली खाएंगे. ठीक है, तो अब आप आ चुके हैं मेरी फेवरेट प्लेस पे. ये है मेरा बेडरूम जहाँ मैं बहुत सारा ढेर सारा आराम करती हूँ शूट के बाद, जब थक हार के बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ. सो दिस इज़ माई प्लेस. दिस इज़ अ पोर्ट्रेट विच वॉज गिवन बाय अ वेरी डियर फ्रेंड. एंड देन आई हैव फ्यू कोट्स इन माई बेडरूम ऑल्सो विच सेज गुड वाइब्स ओनली, स्माइल मोर वरी लेस, ड्रीम बिग एंड स्टे हम्बल. एंड दैट्स माई ड्रेसिंग टेबल. My go-to, I need everything every day. यहाँ बहुत सारी fragrances हैं, then body lotions, moisturizers, sunscreen, cleansing water, toners, hydrators, everything. And then this is the place to be. This is my teddy collection. सबके साथ अलग अलग memories हैं. सब मेरे बहुत ही dear friends ने, मेरे वेल विशर्स ने गिफ्ट, ये दीज ऑल आर गिफ्टेड एंड आई कीप देम सेफ हियर विद मी ताकि उन सब की यादें, उन सब की बेस्ट विशेस, उन सब का प्यार मैं ऐसे सोते सोते देख सकूं. हाय कितने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे ये देख के बहुत प्यारी सी नींद आ जाती है. देन दिस इज़ माई ड्रेसिंग रूम. प्लीज़ अवॉइड इट. This is just my dressing room. यहाँ सिर्फ मैं ड्रेस अप होती हूँ. My cupboards and my stuff is all stuffed here. तो भाई घर की सैर तो हो गई, अब बारी है रसोई में चलने की. वैसे तो निधि यानी कि आकांक्षा बेहद अच्छी कुक है, लेकिन शूटिंग के चलते इन्हें कुकिंग का ज्यादा समय नहीं मिलता, इसीलिए उनके घर पर है हेल्पर. और देखिए कैसे आज ये पहुंच गई है अपनी रसोई में, बन गई है मास्टर शेफ और बना रही है गर्मा गर्म इडली. तो आज मैं शंकर भैया की हेल्प कर रही हूँ, इनके साथ मैं इडली बना रही हूँ. मुझे एक्चुअली, मैं ना बहुत फूडी हूँ, मुझे हर तरीके का खाना पसंद है, मुझे हर तरीके की कुजींस पसंद है. मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ बट मुझे मोस्टली घर का खाना पसंद है, मुझे बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है. तो मैं ट्राई करती हूँ कि सब कुछ घर पर बने और हर कुजीन मैं घर पर ट्राई करूँ. इतना लेट हो जाता है आते आते कि although I love cooking but time ही नहीं मिलता है कि मैं कुछ कुक करूँ, कुछ बनाऊँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ. I am usually an experimental cooker. मैं जब भी कुक करती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ.
ब्रेकफास्ट करके हम जल्दी से रेडी होके फिर शूट पे जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि शूट पे हम क्या क्या करते हैं। सो इडली बन के रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। आई एम तो वेरी 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 हंग्री। मुझे यूजुअली ब्रेकफास्ट में पराठे, इडली, डोसा, पोहा, आई लाइक मतलब मैं बहुत फूडी हूँ, मैं सब खाती हूँ। समोसा पकोड़े बोलते बोलते भी मुंह में पानी आ रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट रेडी है और अब हम ये यमी यमी ब्रेकफास्ट खाएंगे। आई एम वेरी हंग्री। दिस इज़ घर का चटनी विच इज़ पुदीने का चटनी, दिस इज़ कोकोनट चटनी, देन वी हैव सांबर एंड वी हैव इडली। कम ऑन लेट्स ईट। तो ये मेरा फेवरेट व्यू है। दिस वॉज़ वन ऑफ द रीज़न आई टुक दिस हाउस। व्हेन इट इज़ रेनिंग ऐसा लगता है कि मैं महाबलेश्वर में हूँ। दिस इज़ माय महाबलेश्वर एंड यहाँ खड़े होके मुझे कभी भी लोनली फील नहीं होता। यू नो देर आर सो मेनी पीपल अराउंड, देर सो मच हैपनिंग, सो मेनी एक्टिविटीज़ हैपनिंग। ये मेरा फेवरेट टाइम पास है। आई जस्ट लव स्टैंडिंग हियर। तो यूजुअली मैं अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी या इवनिंग कॉफ़ी व्हेन आई एम होम आई हैव इट हियर। आपको बता दें कि आकांक्षा जुनेजा कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, अलग अलग किरदार निभा चुकी हैं, जैसे कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, बड़े अच्छे लगते हैं, साथ निभाना साथिया, और अब वो नजर आ रही हैं कुंडली भाग्य में निधि के किरदार में। तो आइए आकांक्षा से ही जल्दी से जानते हैं उनके करियर की कहानी। जैसा कि आपने मुझसे पूछा आप मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो बेसिकली आई एम अ पंजाबी। We are immigrants from Lahore. मैं बहुत ज़्यादा mixed culture हूँ। I was born in MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गाँव है, एक छोटा सा कस्बा है जिसको अशोक नगर कहते हैं। I was born there और till मैं class 9th मैंने अपना study वहीं पर किया। बट वहाँ पे रह के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे एक लड़की के लिए सबसे बड़ा करियर जो था वो सिर्फ एक टीचर का था, उससे आगे वो कुछ नहीं बन पाती बिकॉज़ वहाँ पे कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी। सो दैट्स व्हाई मैंने अपने पेरेंट्स को किसी तरह भी कन्विंस किया कि दिस इज़ नॉट माई प्लेस एंड आई वॉन्ट टू मूव। एंड आई वॉज़ लकी इनफ दैट आई कुड कन्विंस देम और हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। एंड देन दिल्ली में मैंने अपना 11th 12th एंड देन आई स्टार्टेड विद माई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग कर रही थी उस टाइम पे। आई यूज़ टू ऑल्सो एंकर लाइव शोज। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरी, अगर हम बहुत सारी डिटेल्स में जाएंगे तो कल तक बात करते रहेंगे, तो मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बताऊँगी, सो यू कैन जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। तो आई यूज़ टू एंकर लाइव शोज देयर। तो थ्रू दैट आई गॉट अ रियलिटी शो ऑन दूरदर्शन। I thought ki it will, you know, help me do better shows. So I went for that show. जब मैं उस शो को कर रही थी तब मेरे पास एक और शो का ऑफर आया विच वॉज महायात्रा ऑन स्टार प्लस, जिसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया कि आप अपने पेरेंट्स को चार धाम की यात्रा पर लेकर जाते हो।
आई डिसाइडेड कि इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या होगा कि अगर इस एज में मैं अपने पेरेंट्स को चार धाम की यात्रा पर ले जा सकूं। बट द शो का जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा था कि आप जब तक टास्क क्रॉस करते जाओगे तब तक आप ट्रैवल करते रहोगे, अगर आप टास्क में हार गए तो आप वापस अपने घर जाओगे। बट आई थॉट कि चलो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करने को मिलेगा, जितना भी मिलेगा लेट्स जस्ट गो फॉर इट। सो आई कॉल्ड माई पेरेंट्स टू मुंबई, इट वॉज अ स्टार प्लस शो, दे इंटरव्यूड माई पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स वर सेलेक्टेड, सो आई गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम अनादर शो एंड आई केम टू दिस शो। एंड महायात्रा के साथ एक्चुअली मेरी लाइफ की यात्रा स्टार्ट हुई। मेरी लाइफ आज मैं जहाँ भी हूँ जो कुछ भी हूँ उसका जो पूरा बेस है वो महायात्रा है। अब मेरा करियर गोल चेंज हो चुका है, अब मुझे एक्टिंग करनी है बिकॉज मुझे बॉम्बे रहना था, कुछ भी करना था बट मुझे बॉम्बे रहना था। सो देन आई डिसाइडेड, आई कन्विंस माई पेरेंट्स, उनसे बातचीत की, उन्हें समझाया, ऑल दो वो लोग तैयार नहीं थे बिकॉज आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, आई वॉज वेरी यंग। कुछ दिन लगे उन्हें मनाने में, समझाने में, बताने में कि आपकी बेटी में बहुत ताकत है, जाने दो। तो फाइनली वो लोग मान गए एंड देन आई मूव टू मुंबई विद माई यंगर सिस्टर। माई यंगर सिस्टर इज़ 1 ईयर यंगर टू मी एंड माई यंगेस्ट वन इज़ 10 ईयर्स यंगर टू मी। तो मी एंड माई यंगर वन वी मूव टू मुंबई एंड एज सून एज आई रीच मुंबई द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई गॉट वॉज थोड़ा है बस थोड़ी की ज़रूरत है ऑन कलर्स। वो भी एक लंबा स्टोरी है, वो भी किसी और दिन हम सुनेंगे। बट इन शॉर्ट दैट वॉज माई फर्स्ट शो एंड दैट्स वेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड उसके बाद फिर हम चलते रहे, आप देखते आ रहे हैं किस तरीके से हम चलते रहे और आज हम कुंडली भाग्य में हैं। तो ये था एक छोटा सा टूर मेरे घर का, अब टाइम है सेट पे जाने का, इट्स वर्क मोड, तो मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ, स्टे ट्यून्ड। ढेर सारी बातें हो गई, अब बारी है सेट पर जाने की। तो आकांक्षा हो गई है रेडी घर से सेट तक का सफर करने की और इसमें उनका हम सफर बना है सास बहू और बेटियां। जा रहे हैं, लकीली आज संडे है तो आज ट्रैफिक कम है, हम आराम से लाइक बटर हम लोग सेट पे पहुंचेंगे। बट एवरी डे इट इज़ लाइक रियली 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 हेक्टिक, मुझे 2 आवर्स सेट पे पहुंचने में लगते हैं एंड 2-2.5 आवर्स वापस घर पहुंचने में लगते हैं बिकॉज द प्लेस वेयर आई लिव एंड द प्लेस वेयर आई शूट आर द मोस्ट क्राउडेड प्लेसेस इन मुंबई। सो आज हम टाइम से पहले सेट पे पहुंचने वाले हैं, हम एक्स्ट्रा टाइम लेके चले थे बिकॉज आज संडे है तो हम जल्दी से पहुंच जाएंगे और मुझे आज ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे सैटरडे संडे ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज इट्स लाइक दैट, मतलब हाईवे जैसा लगता है। अभी से ये हाल है मुंबई में, आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है बट सफ़र सुहाना है बिकॉज रोड्स खाली हैं, तो सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन, हमें डर है हमको न जाए कहीं। आई एम अ वेरी बैड सिंगर। तो भाई ये सफर तय कर हम पहुंच गए हैं सीरियल कुंडली भाग्य की सेट पर, जहां अब
होगा आकांक्षा का मेकओवर, क्योंकि वो आकांक्षा से निधि जो बनने वाली है। सो फाइनली हम एसजे स्टूडियोज पहुंच चुके हैं जहां पे हम कुंडली भाग्य का शूट करते हैं। एंड नाउ मैं जा रही हूँ अपने मेकअप रूम में फटाफट रेडी होने के लिए, बिकॉज मेरा शॉट भी ऑलमोस्ट रेडी है। एंड मीनवाइल मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे रेडी होते हैं, क्या क्या करते हैं और फिर कैसे सेट तक जाते हैं, एवरीथिंग। हाँ हाँ, रास्ते में हम सबको मिलते हुए चलते हैं, चलो। लेकिन मेकअप करने से पहले रास्ते में ढेर सारे मेकअप रूम्स आते हैं और ऐसे में आकांक्षा ने मिलाया अपनी रियल फैमिली से। नॉक 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 नॉक, आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये है हमारी करीना बुआ और दादी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लोग देखो सुबह से काम कर रहे हैं, सब रेडी हो चुके हैं, इनका लंच ब्रेक हुआ है, हम इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आगे जाते हैं। क्या हम डिस्टर्ब कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग। मेरी शूटिंग है, मैं अभी अभी आई, अभी आप लोग को ज्वाइन करूंगी। हम लोग डे आउट कर रहे थे तो घूमते फिरते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे बिना खटखटाए कुछ भी करे सीधा रूम में, तो इसके लिए जान हाजिर है, कुछ भी करे। ऑल राइट, तहलका शो पे भी मचा रही है, ऑफ कैमरा भी बहुत तहलका मचाती है, बट इट इज फन, बट इट इज फन, वेरी पॉजिटिव तहलका। इट्स टाइम फॉर माई रूम। ये देखो मेरे आने से पहले ही मेरी स्क्रिप्ट यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो है ये। तो भाई घूमते फिरते आकांक्षा पहुँच गई है अपने मेकअप रूम में, जहाँ सबसे पहले उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी और पिया ठंडा ठंडा नारियल पानी। मेकअप करने में अभी थोड़ा समय है, ऐसे में आकांक्षा फिर एक बार पहुंच गई है सेट पर, जहां उन्होंने बताया अपने कॉस्ट्यूम रूम, दिखाई अपनी ज्वेलरी और मिलवाया अपने को एक्टर से। तो अभी मैं आपको ले जा रही हूं हमारे कॉस्ट्यूम रूम की तरफ। ये है हमारा कॉस्ट्यूम रूम, जिसमें हमारे कॉस्ट्यूम्स रेडी होते हैं, ऑल्टर होते हैं, आयरन होते हैं, वॉश होते हैं, सब कुछ होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि ये मेरे रीसेंट कॉस्ट्यूम्स हैं जो अभी मैं कंटिन्यूटी में पहन रही हूँ अलग अलग सीन्स में। तो ये मेरे कॉस्ट्यूम्स हैं और अभी मैं आपको लेके जाती हूँ मेरी ज्वेलरी की तरफ। चलिए बिल्कुल ट्राई करके देखते हैं सुई में धागा जाता है कि नहीं। पवन दादा सुई धागा दीजिए, आज हम सुई में धागा डालते हैं। कोई काम बहुत कंसंट्रेशन से करती हूँ ना, मैं कांपने लगती हूँ। और ये गया, ये नहीं बिल्कुल नहीं, दिस इज इनफ। ये सारी मेरी ज्वेलरी है जो ये लोग टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं और अलग अलग नई नई मेरे लिए ढूंढते आते हैं, बिकॉज निधि का जो लुक है वो बहुत ही डिफरेंट लुक है। कॉस्ट्यूम चूज करते हैं उसके हिसाब से, फिर हम ज्वेलरी चूज करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम ब्रेसलेट चूज करते हैं, फिर हम बेल्ट चूज करते हैं। निधि के लुक में बहुत सारा तामझाम है जो ये लोग बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। थैंक यू बहुत ज़्यादा। ये मुझे ना छोटे छोटे, एज आई हैव अ वेरी स्मॉल फेस, तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें पसंद है। मुझे बहुत हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद भी नहीं है और मुझे सूट भी नहीं करता है। या दिस वन, ये भी मुझे बहुत पसंद है। सुमन को बहुत अच्छे से पता है मुझे क्या पसंद है। ये मुझे बहुत पसंद है, यस। yes.
आपने देखा मेरे कॉस्ट्यूम्स को, देखा हमारे कॉस्ट्यूम रूम को, देखा निधि की ज्वेलरी, देखी कैसे हम रेडी होते हैं, नहीं कैसे हम रेडी होते हैं देखना बाकी है। चलो अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हम रेडी होते हैं। माय फेवरेट को एक्टर, माय नॉट हस्बैंड बट हस्बैंड, जो कलरफुल कपड़ों में सिर्फ तभी दिखते हैं जब ये सेट पे नहीं होते हैं। व्हाट यू हैव टू से? हाँ बस मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट मूड में घूम रहा हूँ पिछले एक साल से। क्या प्लीज इलैबोरेट, व्हाट इज दैट ब्लैक एंड व्हाइट मूड? पिता नहीं है ना। और जो खड़ी है सामने उसका क्या? इसका क्या? वो भी पिता नहीं है। How mean. सुबह सुबह दिल तोड़ दिया आपने मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रील क्वीन है ये। रियल क्वीन भी है, रील क्वीन भी है। तो मतलब जो भी रीले वीले बनाते हैं इन्हीं के साथ में बनाते हैं। और शी इज अ रियली एंथू एंड यू नो पॉजिटिव एनर्जी ऑन द सेट। थैंक यू सो मच। ये तो पहली बार बोला है, थैंक यू। तो भाई ढेर सारी मस्ती हो गई है, अब बारी है मेकअप करने की। जहां आज आकांक्षा निधि के किरदार में ढलेंगी, वैसे सीन काफी हल्के फुल्के चल रहे हैं। ऐसे में निधि के लुक में काफी सिंप्लिसिटी है। तभी तो देखिए झटपट से आकांक्षा ने कर लिया अपना मेकअप। इसी के साथ उन्होंने दिखाया कि उनके पास कौन कौन से मेकअप हैं और उन्हें मेकअप करने का कितना शौक है। चलो हम वापस अपने रूम में जाते हैं और रेडी होते हैं, बहुत सारी मस्ती हो चुकी है। माय हैंडबैग, ये मेरा एक्स्ट्रा बैग है जिसमें ढेर सारा सामान होता है जो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए होता है। द थिंग्स दैट आई रिक्वायर ऑन सेट इंक्लूडिंग माय कुशंस, एंड ये मेरी वैनिटी है, दिस इज़ माय मेकअप वैनिटी बिकॉज आई प्रेफर यूजिंग माय पर्सनल मेकअप, एंड दिस इज़ माय फूड बास्केट। मैं एवरी डे फूड बास्केट कैरी करती हूँ, मैं अपना सारा खाना घर से कैरी करती हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट हैज़ माय ब्रेकफास्ट, देन माय लंच, then something to munch on, then there is pickle, there is salad, there is chutney, then this is arogyavati that I take every day, and then there are sweets, and then a wire to heat in my food ताकि मैं गरम गरम खाना खा सकूं, मुझे ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया मैं शूट पे क्या क्या लाती हूँ। चलो अब तैयार हो जाते हैं बिकॉज़ मेरा शॉट रेडी है। एज़ अभी जो ट्रैक चल रहा है उसमें मैंने सुसाइड कमिट करने का ट्राई किया है, एंड आई एम गोइंग टू दी हॉस्पिटल। शौर्य मुझे हॉस्पिटल लेके जाता है। तो जो मेकअप हम रखने वाले हैं बहुत ही मिनिमल मेकअप रखने वाले हैं, तो मैं अपना मेकअप खुद ही कर लेती हूँ वैसे तो आज भी मैं खुद ही करूँगी। मैं सब कुछ कैरी करती हूँ। दिस इज वाटर स्प्रे। पहले वाटर स्प्रे से सेट पे आने के बाद फेस को क्लीन करना होता है, उसके बाद मॉइस्चराइज करना होता है, उसके बाद मेकअप प्राइमर लगाना होता है। मेकअप प्राइमर के बाद देन आई स्टार्ट डूइंग माय मेकअप, जो कि पहले बेस। ये मेरा मेकअप पाउच है जो मैं सेट पे कैरी करती हूँ। ये बेस है इसके, उसके ऊपर ये कंसीलर रहता है। देन दिस इज चीक टिंट टू गिव आवर चीक्स अ लिटिल रोजी टिंट। फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के बाद देन मैं आई मेकअप करती हूँ, बट अभी मैं आई मेकअप नहीं करूँगी बिकॉज सीन ऐसा है। तो आज मैं ऑलरेडी प्राइमर और बेस अभी कर चुकी हूँ, सो मैं सिर्फ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करूँगी। Blush and palette, eyelashes. ये शैम्पू है ब्रशेज को वॉश करने के लिए। जो भी हम मेकअप ब्रशेज यूज़ करते हैं हमें उन्हें रेगुलरली वॉश करना चाहिए। तो ये जो भी मेरे सारे मेकअप ब्रशेज हैं इनको वॉश करने के लिए मैं ये शैम्पू, हाँ मैं ये शैम्पू हमेशा साथ रखती हूँ। ये कंसीलर,
कॉन्टोर पैलेट, हाइलाइटर, हाइलाइटर, आई शेडोज, लिपस्टिक, लिपस्टिक, ढेर सारी लिपस्टिक्स. ये है ड्राई शैम्पू. हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत हैवी सीक्वेंसेस शूट कर रहे होते हैं और हम डेली हेयर वॉश नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज़ ड्राई शैम्पू. यू जस्ट स्प्रे एंड स्प्रेड एंड आपके बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने अभी अभी शैम्पू किया है. दिस इज़ मॉइस्चराइज़र, मेकअप फिक्सर, मेकअप प्राइमर, आईलाइनर, आईब्रो, लिपस्टिक अगेन, ब्लश ऑन. ये छोटा ब्लश, बड़ा ब्लश ऑन रूम में यूज करने के लिए और छोटा ब्लश ऑन मेरे सेट के लिए, मेरे मेकअप पाउच के लिए. चीक टिंट, लिप लाइनर, लिप ग्लॉस, प्राइमर एंड देन लॉट्स ऑफ ब्रशेस आई हैव. सारा मेकअप मेरे अभी थोड़े दिन किसी भी यूज़ का नहीं है, बिकॉज जिस लुक में मैं हूँ उस लुक में मैं बहुत न्यूट्रल मेकअप रखी हूँ. तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ कि मेरा आज का कॉस्ट्यूम क्या है. आज का कॉस्ट्यूम है ये साड़ी, ये साड़ी, ये साड़ी राइट. तो मैं आज ये पहनने वाली हूँ और अभी मेरे शॉर्ट में थोड़ा टाइम है, तब तक मैं आपको एक छोटा सा टूर दिखाती हूँ अपने सेट का. भाई आकांक्षा ने मेकअप तो कर लिया है लेकिन अभी उनकी शूटिंग शुरू होने में थोड़ा समय है, इसीलिए वो निकल पड़ी हैं अपने सेट की सैर करवाने के लिए. तो आज आकांक्षा बताएंगी कि कैसे शूटिंग होती है, कैसा होता है सेटअप, जेल, कोर्ट रूम और लूथरा हाउस का पूरा सेट टूर. तो चलिए सेट पे चलते हैं. हेलो, यहाँ सबके मेकअप रूम्स हैं जहाँ हम लोग शॉर्ट्स के बीच में चिल करते हैं. ये है हमारा सेंट्रल जेल. हम सारे बुरे काम करके यहाँ आके बंद हो जाते हैं. नहीं, मुझे नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया. जेल के आगे जो सेटअप लगा हुआ है वो सेटअप है पुलिस स्टेशन का. तो हमारे जितने भी पुलिस स्टेशन के सीन रहते हैं, पुलिस स्टेशन के सीन्स हम यहाँ शूट करते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर साहब होते हैं, यहाँ पे हम होते हैं, वो हमें एक्यूज़ करते हैं, हम किसी और को एक्यूज़ करता है, कोई और किसी और को एक्यूज़ करता है और ऐसे चलता रहता है. और यहीं पे जब कोर्ट रूम के सीन्स होते हैं तो कोर्ट रूम के सीन्स भी यहीं पर बनते हैं, यहीं पर सेटअप लगाया जाता है, तो कोर्ट रूम भी हम यहीं पर करते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे मैं आपको दिखा, ओह माय गॉड, मुंबई की गर्मी, ओहो हो, मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे सेट पे. देख रहे हैं कि मेरी पूरी टीम सामने बैठी है, तो चलो चल के सबको हेलो बोलते हैं. कम ऑन, ये हमारे कैप्टन ऑफ द शिप, हमारे डायरेक्टर सर. हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप आज? गुड मॉर्निंग काव्या. अभी जो हम सीक्वेंस शूट कर रहे हैं वो हॉस्पिटल सीक्वेंस है, तो हमारा सेट यहाँ पे लगा हुआ है. अभी सब लोग बाहर बैठे हैं, शॉट रेडी होने का वेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं. तो चलिए हम पहुँच चुके हैं लूथरा हाउस में. अब मैं आपको दिखाती हूँ लूथरा हाउस. यहाँ पे आई थिंक शूटिंग ऑलरेडी चल रही है. ये है बुआ हाउस, ये बुआ हाउस है, आप देख सकते हैं. यहाँ पे बस थोड़ी ही देर में एक सीन स्टार्ट होने वाला है. तो आज हमारी दो यूनिट्स हैं, एक यूनिट नीचे हॉस्पिटल में शूट कर रही है और एक यूनिट बुआ हाउस में शूट कर रही है. और ये है शशि जी, हमारे सेकेंड यूनिट के डायरेक्टर. गुड मॉर्निंग शशि जी, कैसे हैं आप? ये है हमारा लूथरा हाउस का ह्यूज हॉल. तो देखा आपने किस तरह से शूटिंग होती है, कैसा सेटअप होता है.
आकांक्षा ने तो हमें पूरे सेट की सैर करवाई। उम्मीद है आपने आकांक्षा के बारे में भी कई सारी बातें जानी होंगी। यूं ही सास बहू और बेटिया आपके लिए अलग अलग किरदारों का डे आउट लाता है और करता है उनकी जिंदगी में ताका झांकी। फिर होगी मुलाकात नए कलाकार के साथ। टाइम आ गया है कि आई शुड गेट बैक टू वर्क, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी। आई होप यू लाइक द सेगमेंट एंड अपना प्यार इसी तरह मेरे ऊपर बनाए रखिए। जो इतनी प्यारी प्यारी अप्रिसिएशंस आप मुझे लिखते हैं वो लिखते रहिए। आई एम सो सॉरी मैं आप सभी को पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाती, बट आई मेक श्योर कि मैं वो सारे मैसेजेस रीड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग मी सो 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 मच एंड आई लव यू ऑल। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ सुनिए सुनिए आप हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी। टेक केयर, बाय।